नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भी हरियाणा कांग्रेस दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। एक खेमे की अगुवाई हुड्डा कर रहे हैं तो दूसरे खेमे की अगुवाई कुमारी शैलजा कर रही हैं। हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम कहने को तो प्रदेश कांग्रेस का आधिकारिक अभियान है, लेकिन उसे सांसद दीपेंद्र हुड्डा लीड कर रहे हैं, तो वहीं दूसरा कार्यक्रम कुमारी शैलजा शुरू करने वाली हैं। 27 जुलाई को अंबाला से कांग्रेस की संदेश यात्रा शुरू करने जा रही हैं। शैलजा सांसद हैं और पार्टी महासचिव भी। ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस की असली यात्रा कौन सी है। सवाल ये भी कि पार्टी के दो धड़ों में बटे रहने से कांग्रेस की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं। क्या पार्टी के अंदरूनी कलह तो पार्टी पर भारी नहीं पड़ जाएगी। ये बड़े सवाल हैं। अब अंदरूनी कलह जो गाहे बगाहे उभर कर सामने आती रही है, लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हमने देखा। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में समय भी कम बचा है और अब ऐसे में शैलजा अपना राग अलाप रही हैं और दीपेंद्र हुड्डा की जो कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा है, हरियाणा कांग्रेस के स्तर पर जो की जा रही है कि हिसाब मांगा जाए, पब्लिक से हिसाब मांगा जाए, बीजेपी से हिसाब मांगा जाए। अब सवाल ये कि पब्लिक क्या समझे, जनता क्या माने, किसकी यात्रा असली है और किसकी यात्रा नकली है, या फिर संगठित हैं भी या नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है हिसार से, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा विधानसभा में सत्ता की जोरदार दावेदारी में लगी प्रदेश कांग्रेस में फिर लोकसभा चुनाव से पहले वाले हालात दिख रहे हैं। तेरी कांग्रेस मेरी कांग्रेस वाला रण। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा पार्टी की आधिकारिक यात्रा हरियाणा मांगे हिसाब की मशाल अकेले उठाए जिलों में घूम रहे हैं, तो वहीं पार्टी की सांसद और महासचिव भी 27 जुलाई से अपने मनपसंद जिले अंबाला से कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही हैं। एक तरह से दोनों गुट पार्टी की एकता और सत्ता की दावेदारी के नाम पर अपनी अपनी मशाल थामे जनता में पहुंचेंगे। मकसद एक पर रास्ते अलग अलग हैं। बहुत वक्त हो गया। सोना से चुनाव में लड़ चुके हैं, बहुत अच्छे हमारे साथ में आज शामिल हो रहे हैं प्रधान जी, उनको स्वागत शामिल करेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी हो जेजेपी या फिर इनेलो, तंज तो कसेंगे ही। जो अपनी कमेटियां नहीं बना सके, इकट्ठा चल नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते, वो सरकार कैसे बनाएंगे। बात तो सही है, जवाब अब हुड्डा गुट और शैलजा गुट को देना बनता है। सदा हुआ और साफ जवाब दे दे तो बात बन भी सकती है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो आखिर अब क्या रास्ता है कांग्रेस के पास। सवाल जो बड़े हैं उसका जवाब तलाशने की कोशिश हमारे द्वारा भी की जाएगी, जनता भी यही जानने की कोशिश करेगी कि आखिर कांग्रेस में भरोसा किया जाए तो किस धड़े पर किया जाए। देवेंद्र, हरियाणा मांगे हिसाब वर्सेस कांग्रेस संदेश यात्रा, पार्टी एक रैलियां दो, कांग्रेस की असल यात्रा कौन सी मानी जाए और अंदरूनी कलह एक बार फिर से उभर कर सामने आने लगी है। देखिए सौरभ, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक अच्छी और शानदार एक कम बैक का मौका मिला है। उस सफलता के बाद दोनों धड़े, कुमारी शैलजा वाला धड़ा और भूपेंद्र हुड्डा, दोनों में अब फिर सीएम पद की अपने को बड़ा दिखाने की होड़ लगी है। दरअसल कई बार मीडिया के लोग हम भी पूछते हैं कि पार्टी की गुटबाजी पार्टी को नुकसान करिए, तो जवाब ये मिलता है कहां है गुटबाजी, गुटबाजी तो बीजेपी में भी है, वो ये बिल्कुल जवाब देते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, ये मीडिया का बना बनाया तैयार किए हो आप, ये ताना बाना। जवाब है मीडिया मीडिया की वजह से है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, दरअसल ये जो लोकसभा चुनाव के बाद एक कामयाबी हुई है, दोनों धड़ों की बराबर उनकी धमक दिखाई दी है। अगर दीपेंद्र हुड्डा बड़ी
जीत उनको हासिल हुई है। मुकाबला बहुत कड़ा था और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना कैंपेन चलाया, 5 सीटें बीजेपी से इन्होंने ली, उनके हिस्से में 5 ही रह गई और अब दीपेंद्र जी हुड्डा भी जीते और इधर कुमारी शैलजा की भी बड़ी जीत हुई है। तो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, हालांकि किरण चौधरी अब नहीं रही इनके साथ, लेकिन तभी भी दो ये पूरी मजबूती से टक्कर लेते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि कुमारी शैलजा हो या भूपेंद्र हुड्डा हो या दीपेंद्र हुड्डा हो, सुरजेवाला हो, उनसे गुटबाजी को लेके अलग अलग जो ये प्लेटफॉर्म पे अपना परफॉर्म कर रहे हैं, टकराव की बात हो वो कहते हैं कुछ नहीं है टकराव, ये तो हम अपने अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत करें। अगर सारे नेता एक ही तरफ चलेंगे तो फिर काम बहुत ज्यादा है, एक तरफ जाएंगे तो जब बिखर जाते हैं तो अपने अपने तरीके से सब लोग कांग्रेस की मजबूती के लिए, कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने की लड़ाई लड़े, संघर्ष करें, उनका जवाब ही होता है। लेकिन बात यह कि तेरी कमीज मेरी कमीज से साफ कैसे, वही इस वाला होड़ लगी हुई है। भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा को यह है कि हाईकमान की तरफ से आशीर्वाद भी है, फ्री हैंड भी है और उन्होंने रिजल्ट भी दिया है। कुमारी शैलजा की जहां तक बात है, पार्टी की महासचिव है, सीडब्ल्यूसी की मेंबर है और अब सांसद बनी है, जिस तरीके से उनकी बड़ी जीत हुई है, उनकी पूछ भी बड़ी है, स्वीकारोक्ति बड़ी है। कुछ लोग हमने देखा हुड्डा रूप से, जब उनको लगता है कि हुड्डा के साथ रहेंगे टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारी पूछ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अगर सरकार आती है तो हमारे हिस्से में कुछ आएगा नहीं आएगा, ये सारे उधेड़ बुन में लगे हुए, हिसाब किताब हो रहा है। बहुत सारे लोग शैलजा गुट की तरफ भी जा रहे हैं, उनको लगता है कि शैलजा हमारी पैरवी करेगी, शैलजा के साथ रहने में फायदा है। कुछ लोग भूपेंद्र हुड्डा को करिश्माई नेता मानने हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से आएगी। तो दोनों धड़े जो है अपनी अपनी और से जोर लगा रहे हैं, गुटबाजी है, टकराव है, खींचतान है अंदरूनी तौर पर, लेकिन वो खुलकर ये बात नहीं कहते, वो कहते हैं अपने अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब दोनों पर ये दबाव भी है कि विधानसभा चूंकि बड़ा चुनाव है हरियाणा के लिहाज से, इनके अपने समर्थकों के लिहाज से, तो अब आगे क्या क्या रिजल्ट आता है बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और बड़े नेता ये कहते हैं कि सीएम का फैसला हाईकमान करेगा, कांग्रेस कभी अपना सीएम चेहरा पहले सामने नहीं लाती, जब पार्टी के विधायक जीत कर आएंगे कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जो भी आपसी सहमति से होगा वो सीएम बनेगा, लेकिन इन दोनों में ही फैसला होना है कि सीएम कौन बनेगा, इस गुट का या उस गुट का, तो इसी टकराव में दोनों अपना अहम छोड़ने को तैयार नहीं है। महेश, जो स्थिति अब कांग्रेस की हरियाणा में है, जाहिर सी बात है कि लोकसभा में जो सीटें जीती उससे एक जो उत्साह है वो जरूर पार्टी के अंदर बढ़ा है, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी अपील करते हैं एकजुटता की, हाईकमान हस्तक्षेप करता है, उसके बाद भी एकजुटता नजर नहीं आ रही है पार्टी में, बड़ी चुनौती बन सकती है। देखिए सौरभ, इस बात का तो इंतजार कोई हरियाणा प्रदेश में ना करे कि एकजुटता कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं में होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता था वो राहुल गांधी की नसीहत के बाद या कहें कि चेतावनी के बाद देखने को मिल रहा है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, जो कि पहले मुखर होकर कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोल रही थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा उनके समर्थक कहीं ना कहीं शैलजा के खिलाफ साफ तौर से बोलते नजर आ रहे थे। यहां राहुल गांधी की चेतावनी के बाद इतना तो हुआ कि एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। अब इतना ही पर जो है जरूरत, इतनी ही जरूरत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को महसूस हो रही थी कि एक दूसरे के खिलाफ बोलना ये बंद कर दे तो भी काफी है। अगर एक साथ नहीं भी चले तो एक दूसरे के खिलाफ बोलने से जो मीडिया में माहौल बनता है, जो आम जनता के बीच मैसेज जाता है, वो बड़ी परेशानी का सबब बनता है। अब यहां पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता कह रहे थे कि ये जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है, अगर आने वाला विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश की जनता लड़ती है तो फिर कांग्रेस पार्टी को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, फिर आसानी से जो चुनावी डगर है वो कांग्रेस पार्टी पार कर सकती है। यहां पर जो अंदरूनी परिस्थितियां वो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में अब हुई हैं, अगर बीते 10 सालों का या उससे पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 सालों का, बीते 20 सालों का मैं जिक्र करूं तो उससे पीछे भी इसी तरह की परिस्थितियां जो है बनी रही है। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के साथ जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो आमने सामने की स्थिति है, विस्फोटक स्थिति थी राजनीति में, वो देखने को मिल रही थी। उसके बाद जो है अलग हरियाणा जनता कांग्रेस, कुलदीप बिश्नोई ने और स्वर्गीय चौधरी भजनलाल
केजरीवाल ने बनाने का काम किया था, उसके बाद भी यानी राज्य के जो 10 साल थे उसमें भी इसी तरह की स्थिति रही, उससे पीछे के 20 साल पीछे की स्थिति पर मैं जाऊं तब भी इसी तरह के कांग्रेस पार्टी में हालात बने हुए थे और आज भी कांग्रेस पार्टी में कमोवेश उसी तरह के हालात बने हुए, लेकिन यहां पर चूंकि अस्तित्व का सवाल है तो ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ बोलना तो बंद कर दिया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी यहां कांग्रेस पार्टी में होने वाला नहीं है। और आम जनता भी कौन सा कांग्रेस पार्टी को अपनी पहली पसंद मान रही है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी ही कांग्रेस पार्टी की ताकत है और कांग्रेस पार्टी इसीलिए बहुत ज्यादा अंदरूनी हालात को लेकर चिंतित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाने के लिए लोग कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं और इसी मद में इसी नशे में यहां पर कांग्रेस पार्टी बनी हुई है कि जनता उन्हें पसंद कर रही है, मजबूरी में ही सही उन्हें वोट देने जा रही है, तो ऐसे में कुछ भी बड़ा परिवर्तन यहां पर कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार कम से कम यही मान रहे हैं। वीरेन जी, पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस की, अगर हम बात करें तो कांग्रेस पे ही एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, ये कि जिस तरीके से देवेंद्र ने भी जिक्र किया, महेश ने भी बताया कि पार्टी का संगठन नहीं बना, कमेटियां नहीं बनी और साथ भी नहीं चल पाए, हालांकि कुछ मंचों पर देखा गया कि एक साथ हैं, वो कहने को तो थे लेकिन दिल नहीं मिले थे, ये एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर जो संगठन कमेटी और साथ नहीं चल सके, बना नहीं पाए, तो सरकार को किस तरीके से चलाएंगे, उसमें भी अंदरूनी गुत्थम गुत्था देखने को मिलेगी। देखिए ये बात बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल सही है। देखिए 2005 से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, तब भी यही स्थिति थी जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी यात्रा निकाल रहे थे, भजनलाल उस समानांतर रैलियां कर रहे थे, उस समय सुशील कुमार शिंदे थे, वो हरियाणा के प्रभारी थे, तब भी यही खेल चल रहा था और आगे भी ये चलता रहेगा, ये समाप्त होने वाला नहीं है, पात्र बदलते रहेंगे, ये खेल तो चलता रहेगा। और इस तरह अब जो स्थिति बनी हुई है, देखिए अब तो आगे चलकर अभी कुमारी शैलजा संदेश यात्रा निकाल रही है, उनका तर्क है कि जिन इलाकों में वो पहले नहीं जा सकी थी, अब जो अधूरी छूट गई थी तो अब वहां पर वो जा रही है, और इसके अलावा जहां जहां उनके समर्थक हैं, जहां जहां उनके समर्थक बुलाएंगे वहां भी जाएंगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब हरियाणा मांगे हिसाब के बाद वो अपनी रथ यात्रा भी निकालने जा रहे हैं जी। तो अब रथ यात्रा से जो एक वातावरण बनेगा, उनका अलग वातावरण बनेगा। और देखिए कांग्रेस ने अभी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया, कांग्रेस में लड़ाई तो मुख्यमंत्री पद की है और चेहरा घोषित होगा भी नहीं, तो इसलिए जिसका जहां प्रभाव होगा, जिसके ज्यादा समर्थक होंगे, फैसला तो कांग्रेस हाईकमान ने करना है, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करना है, वो तो बाद की स्थिति है। लेकिन इस समय जो स्थिति बनी हुई है, ये कांग्रेस की जो गुटबाजी है उसकी लोगों को भी अपेक्षा है, कोई गुटबाजी में कोई सुधार होगा नहीं, गुटबाजी तो सब जगह रहती है, महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई रहती है, भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन वहां एक सीमा के अंदर है, एक मर्यादा के अंदर है, यहाँ जो है मर्यादा तोड़ दी जाती है, सीमा भी लांघ जाते हैं, तो ये कारण बना हुआ है कि कांग्रेस की गुटबाजी साफ दिखाई दे रही है और उस गुटबाजी का कोई हल भी नहीं है। अब मान लीजिए कुमारी शैलजा जब भी संदेश यात्रा जहां जहां निकालेंगे तो लोग मीडिया के लोग सवाल पूछेंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, वो कहे दावेदारी सबका अधिकार है, मैं भी दावेदार हूं, इससे की बातें सुर्खियां तो बनेंगी बनेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद वो दावेदारी पेश कर रहे हैं कि मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है, तो ये खेल तो चलता ही रहेगा, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन अगर हाँ पार्टी का संगठन होता, पार्टी स्तर पर अभियान चलाए जाते, उससे वातावरण और अच्छा बनता। अब देखिए जो ऊर्जा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में लगनी चाहिए थी वो अपनी गुटबाजी में लग रही है, अब कार्यकर्ताओं को तैयार नहीं किया जा रहा, कैडर को तैयार नहीं किया जा रहा, चुनाव के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा, मतलब जो ऊर्जा उस तरफ लगनी चाहिए थी वो आपसी गुटबाजी में एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगी हुई है। वीरेन जी, बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि ये गुटबाजी क्या कांग्रेस का बंटाधार करेगी या बेड़ा पार करेगी आगामी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से नोरा कुश्ती देखने को मिली अपने अपने वर्चस्व को लेकर, वो जग जाहिर है। सवाल यह कि कितना नुकसान हो सकता है पार्टी को आने वाले समय में। देखिए उसके दो कारण, देखिए गुटबाजी प्रतिद्वंदी दल में भी है, भारतीय जनता पार्टी में महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, कोई जिला कोई नगर कोई मंडल स्तर ऐसा नहीं होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपसी लड़ाई नहीं हो, टिकट के दावेदार सब जो है अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, दीवारों पर भी देखा जा सकता है, दीवारों पर शक्ति प्रदर्शन चल रहा है और एक सत्ता विरोधी लहर भी है। ये दो कारण है कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, सत्ता विरोधी लहर है, जो सत्ता विरोधी लहर है वो कांग्रेस के लिए वरदान है, बस कांग्रेस के लिए यही बात है, क्योंकि देखिए गुटबाजी तो सब जगह सभी दलों में रहती है, लेकिन वहां जो उनका नेता के ऊपर सर्वसम्मति है, वहां कोई टकराव नहीं है, वहां पार्टी का अनुशासन है, तो लेकिन कांग्रेस में अनुशासन नहीं है, कांग्रेस में बेलगाम है, एक दूसरे को चुनौती देने में लगते रहते हैं, शक्ति प्रदर्शन में लगे रहते हैं, वो बात तो जो भारतीय जनता पार्टी में वो कांग्रेस में, लेकिन एक मर्यादा की बात है, वहां मर्यादा की बात है, शिष्टाचार की बात है और एक वहां सुनवाई होती है। और कांग्रेस के अंदर देखिए अब टिकटों के लिए जो आवेदन मांगे जा रहे हैं, देखिए सभी की ऊर्जा लगी है, जो शुल्क के साथ जो है महिलाओं को और जो शेड्यूल कास्ट हैं दूसरे उनके लिए 5,000 है, आम साधारण के लिए 20,000 शुल्क है, और देखिए ये प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आवेदन किया जा रहा है और उसकी प्रति जो है एक जो प्रदेश प्रभारी है
दीपक बवैया उनको भेजी जा रही है, तो इसलिए कांग्रेस की ऊर्जा वहां लगी हुई है, सभी अपने अपने आवेदन कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो उम्मीदवार अलग से तय होंगे, वहां तो अलग परंपरा है, अलग परिपाटी है, तो इसलिए ये दिखा है कार्यकर्ताओं में उत्साह तो कांग्रेस के लोगों में इसलिए क्योंकि वहां बहुत लोग आवेदन कर रहे हैं, तो कांग्रेस का वातावरण तो बना हुआ है। लेकिन गुटबाजी कहीं अगर मर्यादा से बाहर हो गई, ज्यादा हो गई, तो एक दूसरे की टांग खींचने में कहीं भारतीय जनता पार्टी की राह आसान भी ना कर दें। बिल्कुल देवेंद्र, वजह क्या है एकजुटता एक लंबे समय से पार्टी के अंदर नहीं देखी जा रही हरियाणा कांग्रेस में? जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, बताया कि अगर दो दशकों की बात की जाए उसमें भी कहीं ना कहीं पार्टी अपना संगठन नहीं पूरा मजबूत बना पाई, एकजुट होकर कदम ताल करके नहीं चल पाई, प्रमुख वजह क्या मानते हैं, क्या वजह है हरियाणा कांग्रेस में जो एकजुट नहीं हो पा रही? देखिए सौरभ, कुछ लोगों को ये नहीं, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस की सरकार जब आई चार बार सांसद भी रहे हैं, सीएलपी लीडर हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर दरअसल थोड़ी सी एटीट्यूड प्रॉब्लम ये है लोगों को, उनका ये कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा या कुछ और नेता अपने तौर पर कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, दूसरों की चलने देने चाहते हैं। आप देखिए अगर आप गिनती करें कांग्रेस को कितने बड़े बड़े नेता छोड़ गए, जो बाद में बीजेपी में गए जब उनको विकल्प की तलाश थी, राव इंद्रजीत थे, राव इंद्रजीत के बाद आप देखिए कुलदीप बिश्नोई हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी छोड़ गए थे, उसके अलावा बहुत सारे और ऐसे नेता हैं जिलों के भी जो कांग्रेस छोड़ गए थे, तो उनको 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 ये लगता था कि किसी एक की चौधर हम कैसे माने, सबको बराबर का मान सम्मान मिलना चाहिए, हाईकमान में शिकायतें भी गई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उनको ये लगता है कि कांग्रेस एक बड़े नेता के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रही, उसकी मर्जी से चल रही है, तो ये जो आपसी खींचतान थी, जो अंदरूनी आक्रोश था वो बढ़ता चला गया, इसी वजह से बहुत सारे लोग बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए। अभी अभी तो कोई लौटने वाले नहीं है, लेकिन जाने वाले ज्यादा है, जो आज बीजेपी में सेट, धर्मवीर है जो भिवानी के थे, ठीक है, नवीन जिंदल का आप केस देख लो, नवीन जिंदल भी कांग्रेस से गए हुए थे, और भी कई नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ गए। वजह क्या है कि उनको ये था कि बराबरी का मान सम्मान, बराबरी की पूछ होनी चाहिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति, किसी बड़े नेता की वजह से वो चाहते कि अपने तौर पर कांग्रेस खुद को समझते हैं कि कांग्रेस का मतलब फुलाना है, तो वो मतलब इस एक अनदेखी के खिलाफ थे, उनको लगता था कि हम कांग्रेस में होते हुए भी पूरा हमारी पूछ नहीं, मान सम्मान ही अनदेखी होती है, तो एक बड़े नेता की मर्जी चले ये कैसे हो सकता है। किरण चौधरी का आप केस देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, तो मेरे को लगता है आपसी जो सामंजस्य है, एक्सेप्टेंस है, एक मान सम्मान है, उसमें कमी रही है, जिस वजह से कांग्रेस का काफी नुकसान हुआ है सियासी तौर पर। महेश, किरण चौधरी के बारे में हमने देखा एक लंबा सियासत में उनका अनुभव रहा, कांग्रेस से जुड़ी रहीं, पुरानी नेता रहीं और जमीन से जुड़ी रहीं। सवाल ये कि जब वो बीजेपी में पहुंची तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बापू बेटी की पार्टी है कांग्रेस, और वहीं तक से मट गई है। अब सवाल ये कि एसआर के गुट में से एक सदस्य तो बीजेपी में चला गया, क्या शैलजा भी यही सोचती है, क्या रणदीप सुरजेवाला भी यही सोचते हैं? देखिए बिल्कुल, मैं याद यहाँ पर दिलवाना चाहूंगा, राहुल गांधी की चेतावनी से पहले कुमारी शैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर ये बात कहा करती थी कि कांग्रेस पार्टी को मैं और मेरा से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं और मेरा से मतलब क्या है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सीधा सीधा अभिप्राय कुमारी शैलजा का यही था कि मैं और मेरा से बाहर कांग्रेस पार्टी जब तक नहीं निकलेगी तब तक कांग्रेस पार्टी का भला नहीं हो पाएगा। लोकसभा का चुनाव जीतने के साथ ही जैसे ही जश्न मनाया जा रहा था उसी वक्त कुमारी शैलजा की तरफ से ये बात सामने रख दी गई थी कि कुछ पार्टी में खामियां हैं जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत पड़ेगी, और अपने तरीके से उन खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश कुमारी शैलजा कर रही हैं। शहरी इलाके जहां पर ये लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, ऐसे में आगामी सरकार बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा जन समर्थन की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है, तो ऐसे में शहरी क्षेत्रों के लिए पदयात्रा यहां पर तय कर दी गई। बिल्कुल जो शब्द यहां पर इस्तेमाल कर रही थी किरण चौधरी, उसी तरह के शब्द पहले से इस्तेमाल कर चुकी थी यहां पर कुमारी शैलजा, और हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से इस तरह के कभी इस्तेमाल नहीं किए गए, वो लगातार कुमारी शैलजा को ही आगे बढ़ाने का जिक्र करते रहे। जितनी भी कांग्रेस संदेश यात्रा का मोमेंट हरियाणा प्रदेश में देखने को मिला उसमें लगातार वो ये कहते रहे कि मुख्यमंत्री पद की दावेदार जो हैं वो कुमारी शैलजा भी हैं, लेकिन ये बात यकीनन आप कह सकते हैं कि कुमारी शैलजा यहां पर कड़ी चुनौती दे रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और अंदरूनी जो परिस्थिति है उसमें आमने सामने की स्थिति यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की देखने को मिल रही है। दोनों कार्यक्रम अलग अलग चलते रहेंगे, अलग अलग तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, और आपको याद होगा कि पिछले
पिछली बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब कुमारी शैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली थी तो शुरुआत में एक चिट्ठी यहाँ पर दीपक बाबरिया की तरफ से जारी कर दी गई थी जिसमें इस कार्यक्रम को अवैध बताया गया था और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नेताओं को ये हिदायत दी गई थी कि इस खास कार्यक्रम में यानी कुमारी शैलजा की कांग्रेस संदेश यात्रा में शामिल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में दीपक बाबरिया की तरफ से समापन के वक्त या कहें कि कांग्रेस संदेश यात्रा जब अपने समापन की ओर थी तो उसे ही अधिकृत कार्यक्रम पार्टी का बना दिया गया था। कुछ इसी तरह की परिस्थिति एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, उस तरह के टकराव की स्थितियां अब देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि राहुल गांधी 2-2 की चेतावनी दे चुके हैं कि जिसे पार्टी छोड़कर जाना है वो चला जाए, लेकिन इस तरह की बेहूदगियां, इस तरह की बेकायदगियां जो है वो पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी मीडिया में नहीं की जा सकती। अब सवाल यही है कि आखिर जो बयानबाजी तो थमी है वीरेन जी, क्या पार्टी सत्ता के सिंहासन तक पहुंच पाएगी? क्योंकि लोकसभा में जो फायदा हुआ क्या उसका प्लस पॉइंट मिलेगा? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भुना पाएगी? क्योंकि अंदरूनी कलह नूरा कुश्ती बहुत ज्यादा है। देखिए, कांग्रेस के लिए अवसर है और ये केंद्रीय हाईकमान को भी मालूम है और प्रदेश के इकाई के नेताओं को भी मालूम है। अगर हम आज में भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस से माइनस कर दें तो कांग्रेस की ताकत क्या बनती है? बिल्कुल। तो सबको सर्वमान्य ये तथ्य है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा निर्विवाद नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और ये देखिए, कांग्रेस का संगठन जो है तभी बनता है जब कांग्रेस सत्ता में होती है, जब कांग्रेस की सरकार होती है, सरकार ही संगठन चलाती है जी। अब विपक्ष में है तो विपक्ष में संगठन बन नहीं पाया। और ये भी बात है कि अगर देखा जाए, चाहे अमित शाह जी महेंद्रगढ़ में थे तो दीपेंद्र हुड्डा ने तंज भी कसा कि अमित शाह ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री यानी मनोहर लाल जी का तो नाम लिया नहीं सभा के अंदर और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही नाम लेते रहे। तो ये एक बात है, कांग्रेस में ताकत तो है, तो इसलिए अमित शाह जो है बार बार हुड्डा को निशाना बना रहे। तो ये आने वाले समय में कांग्रेस के लिए अवसर है, अगर कांग्रेस ने विवेकपूर्ण जो है अपना कदम रखे और बुद्धिमता से काम लिया, सभी ने संगठन के एकजुटता के रूप में काम लिया तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए अवसर हो सकता है, नहीं तो कांग्रेस इस पर अपने पांव पर खुद ही कलाड़ी मार सकती है। ध्रुवीकरण की अगर हम बात करें, जातीय समीकरणों के बंटवारे की बात करें, वोटों की बात करें वीरेन जी, तो क्या नजर आता है? क्या बीजेपी इसमें फायदा ले पाएगी? क्योंकि दक्षिण हरियाणा बेल्ट पर बीजेपी लगातार काम कर रही है, जीटी रोड बेल्ट पर लगातार काम कर रही है, ऐसे में वहां कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने रह सकती है? देखिए, जितना नियोजित ढंग से योजनाबद्ध ढंग से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस उस स्तर पर नहीं है, कांग्रेस बहुत पीछे है। कांग्रेस में व्यक्तिगत स्तर पर काम होता है और भारतीय जनता पार्टी में संगठन के स्तर पर सभी बूथों का सर्वेक्षण स्क्रीनिंग की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कहां कम मत मिले, क्यों मिले, इसमें कैसे सुधार किया जाए। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा कोई चर्चा है ही नहीं, कांग्रेस में इस तरह का उल्लेख ही नहीं है। तो मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर सामाजिक समीकरण देखें, जातीय गठबंधन के आधार पर देखें, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। देखिए, कांग्रेस भी प्रयास तो कर रही है लेकिन कांग्रेस में उस स्तर पर नहीं है जिस तरह पर भारतीय जनता पार्टी सोचती है, योजना बनाती है। कांग्रेस इस मामले में बहुत पीछे है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सवाल ये कि दो यात्राएं कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही हैं हरियाणा के अंदर, किसको फायदा किसको नुकसान, ये आगामी नतीजे बताएंगे। लेकिन सवाल एक बरकरार है, अगर नूरा कुश्ती कम होती है, संगठित होकर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो डगर आसान हो जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर इसी तरीके का मेरा और तेरा रहेगा तो पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि बीजेपी का जो कार्यक्रम है, मैराथन तैयारियां हैं, वो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, वो बड़े स्तर पर चल रही हैं, वो कांग्रेस को आने वाले समय में ज्यादा बड़ी चुनौती बीजेपी दे सकती है। ऐसे में कांग्रेस को हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। लेकिन अभी जो दो धड़ों में पार्टी नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी में टकराव की स्थिति एक बार फिर से उभर कर सामने आ गई है। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।